पड़ा है। संशय जिस घर में आ जाएगा वो घर घर नहीं रहेगा, अस्तित्वहीन हो जाएगा। जिस व्यक्ति के जीवन में संशय आ जाएगा वो जिंदा जीते जी सौ के समान माना जाएगा, भले ही जिंदा हो। संशय के कारण वो व्यक्ति मृतक समान। इसलिए अयोध्या में संशय आया तो पूरी अयोध्या यशमशान हो गई। बोलो हो गई कि नहीं? पूरी अयोध्या यशमशान हो गई। और संशय आया तो राम जी चले गए। बोलो चले गए कि नहीं चले गए? आए थे। कितनी तपस्या की थी महाराज दशरथ ने मनु के रूप में, उस तपस्या के प्रभाव से श्री राम आए थे। लेकिन एक दिन के संशय ने राम को अयोध्या से दूर कर दिया, और एक दिन के संशय ने ही पूरी अयोध्या को शमशान बना दिया। घर मसान जन पर जन भूता, 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 अयोध्या यशमशान हो गई। अयोध्या थी कैसी? अयोध्या थी मंगल की खदान, लेकिन यशमशान बन गई। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। मंगल की खदान थी अयोध्या, लेकिन संशय के कारण अमंगल ही अमंगल छा गया। सोचो जरा, अयोध्या जैसा तीर्थ जो सप्तपुरियों में प्रमुख पुरी मानी जाती है अयोध्या, लेकिन ऐसी अयोध्या यशमशान बन गई और अमंगल की खदान बन गई। जहां मंगल की खदान थी अमंगल आ गया। विचारवान श्रोताओं विचार करो, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर में मंगल हो। बोलो चाहता है कि नहीं? हमारे घर में क्या हो? मंगल हो। इसलिए तो आप देवताओं का स्मरण करते हो, साधु संतों को बुलाते हो, यज्ञ कराते हो, धार्मिक अनुष्ठान कराते हो, देवी देवताओं को पूजते हो, मठ मंदिर बनवाते हो, तीर्थाटन करते हो, पवित्र नदियों में स्नान करते हो, गौ पूजन गुरु पूजन करते हो, किसके लिए करते हो? हमारे घर में क्या आवे? मंगल आवे। लेकिन अयोध्या में तो मंगल की खदान है। जैसे कोयले की खदान में कोयला भरा रहता है, हीरे की खदान में हीरे भरे रहते हैं, पत्थरों की खदान में विभिन्न प्रकार के पत्थर भरे रहते हैं, लेकिन अयोध्या में हीरे मोती नहीं, अयोध्या में तो मंगल भरा हुआ है, मंगल की खदान। लेकिन अमंगल आ गया। किसके कारण आया है अमंगल? संशय के कारण आया। और ये संशय किसने पैदा किया है? मंथरा ने। किसके कारण किया है? लोभ के कारण। उसके मन में ऐसा आया कि मैं चेरी के कई खेल। मंथरा कहती है कि मैं दासी कौशल्या की नहीं हूं, मैं दासी किसकी हूं? केकई की हूं दासी।
और अयोध्या की दासी नहीं हूं, कश्मीर से आई हूं। अरे अयोध्या की दासी होती तो ये सोचती कि अयोध्या में गड़बड़ी ना आ जावे, अयोध्या बदनाम ना हो जावे। नहीं, वो कश्मीर से आई है, उसके मन में लोभ है कि मेरी महारानी का बेटा जिसकी मैं दासी हूं, अगर वो राजा बन जाएगा तो मेरा वेतन बढ़ जाएगा। क्यों भाई, वेतन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? क्या आ गया उसके मन में, बोलो भाई? लोभ आ गया, और लोभ आया तो उसने जाके संशय पैदा कर दिया। कद्रु बिन तहि दीन, दुख तुमहि कौशला दे, ओ भरत बंद ग्रह से हैं लखन राम के। ऐसी कद्रु वनिता की कथा सुनाई। बोलो भाई, प्रयास किया उसने संशय पैदा करने के लिए, पूरी ताकत लगा दी और केकई जी को प्रभावित कर दिया। सावधान, जो केकई श्री राम से प्रेम करती थी, उस केकई ने क्रोध को स्वीकार कर लिया। किसको स्वीकार किया? क्रोध को। मंथरा लोभ लेकर के गई और संशय जैसे ही पैदा किया तो केकई में क्या आ गया? क्रोध। बोलो, आ गया कि नहीं? क्रोध आ गया। और जैसे ही केकई में क्रोध आया तो क्रोध ने काम को बुला लिया, महाराज दशरथ को, हाजिर हो जाओ। बोलो भाई, दशरथ जी महाराज जैसे ही केकई जी के पास पहुंचे तो वहां क्या आ गया? काम आ गया। बोलो भाई, आ गया कि नहीं आ गया? ये विकार आने लगे, क्योंकि कहीं की लोभ विडंबना की नहीं है संसार। बहुत सावधानी से जीवन जीना है, सामान्य स्थिति में सामान्य विचारों से घर नहीं चल सकता है। अपने विचारों को सत्संग से जोड़ना पड़ेगा, तभी तुम्हारा घर चलेगा। जब तक तुम अपने विचारों को सत्संग से नहीं जोड़ोगे, अपने विचारों को तुलसीकृत रामचरितमानस से नहीं जोड़ोगे और किसी गुरु की वाणी से राम कथा नहीं सुनोगे, तब तक तुम्हारे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब व्यवहार नहीं बदलेगा तो तुम्हारा परिवार भी नहीं बदलेगा, याद रखना। इसलिए सुंदर व्यवहार बनाने के लिए हमें राम के चरित्र को सुनना पड़ेगा और राम के चरित्र पर चलना पड़ेगा, तो हमारा घर में, पड़ोसियों में, गांव में सुंदर व्यवहार हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? राम जैसा व्यवहार, राम का व्यवहार। शत्रु भी श्री राम की प्रशंसा करता है। को रघुवीर सरस संसारा, शील स्नेह निवारण हारा, अस स्वभाव कहाँ सुनेऊ न देखेऊ, कही खगेश रघुपति सम लेखेऊ। याद रखना, ये खग जो है, खग संस्कृति और पशु संस्कृति, इन खगों की भाषाओं को, पशुओं की भाषाओं को मनुष्य नहीं समझ पाता है, और मनुष्य की भाषा पशु पक्षी नहीं समझ पाते हैं।
लेकिन याद रखना श्री राम के व्यवहार और राम की वाणी को पशु पक्षियों ने भी समझ लिया। बोलो समझ लिया कि नहीं। और आपको बात बतावे, श्री राम के व्यवहार को विषधरों ने भी समझ लिया। जिन्हीं निरख मग सांपिन बीछी, जिन्हीं निरख सांपिन बीछी, तजहीं विषम विष तामस तीछी, तजहीं विषम विष तामस तीछी, तजहीं विषम पशुओं के लिए जासु पियोग विकल पशु से, 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 प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे, ओ रघुवीर सरस संसारा, ओ रघुवीर सरस संसारा, विषधर ये कीड़े मकोड़े होते हैं। जैसे सर्प क्या है, एक कीड़ा मानते हो ना सर्प को, आप क्या मानते हो, पशु मानते हो कि पक्षी मानते हो, कीड़ा मानते हो, ये कीड़ा है। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी मनुष्यों की तो बात हो, ये श्री राम के व्यवहार को समझते हैं और श्री राम की वाणी को भी समझते हैं। कारण क्या है, क्योंकि राम के जीवन में संशय नहीं है। क्या नहीं है, संशय नहीं है। इसलिए संशय नहीं है तो राम जनप्रिय राम है। हर योनि में जो भी पैदा हुआ है उसके भी प्रिय राम है। बोलो है कि नहीं, यहां तक कि कीड़े मकूड़ों के भी प्रिय राम। विषैले जीव जंतुओं के राम, सभी के राम। आप तो मनुष्य हो, संशय के कारण आपके अंदर विष भर चुका है। किसके कारण विष भर गया है, बोलो, संशय के कारण विष भर गया है। इसलिए वाणी से अमृत नहीं निकल रहा है, विष निकल रहा है, जहर उगल रहे हो। किसके कारण जहर उगल रहे हो, संशय के कारण। अगर किसी के प्रति संशय हो जाता है तो अनर्गल प्रलाप करने लगते हो, क्यों करने लगते हो, बोलो। हम तुम्हें जानते हैं, तुम क्या हो, सब जानकारी मुझे मिल गई तुम्हारे बारे में। और याद रखना, बचते रहना, मौका आदि मिल गया मुझे तो छोड़ूंगा नहीं। बोलो, ये अमृत उगल रहे हो कि विष उगल रहे हो, क्या उगल रहे हो, ये विष ही तो उगल रहे हो। अरे भैया, तुमने केवल दूसरे ने तुम्हारे कान भर दिए और संशय पैदा हो गया तुम्हें और तुम जहर उगलने लगे हो। अरे कम से कम प्रथम दृष्टिया संवाद तो करो, यदि संवाद से समाधान ना हो तब विवाद करना चाहिए। लेकिन प्रथम दृष्टिया यदि आपने सुन लिया है किसी के बारे में और किसी ने संशय पैदा कर दिया है तो विवाद नहीं करना है, पहले संवाद करना है, बातचीत करनी है। यदि बातचीत से समस्या का समाधान नहीं होता है तब विवाद की स्थिति बनती है। पहले क्या करना चाहिए, जल्दी बोलो, संशय को दूर करने के लिए संवाद करना चाहिए। और संवाद रामचरितमानस में संवाद ही संवाद है।
अब सूची निकाल के देख लीजिए, आप सूची निकाल के पढ़िए तो संवाद ही संवाद है। अच्छा एक बात बताओ, रामायण की सूची में कहीं ये लिखा हो फलाने फलाने का विवाह? बोलो लिखा हो विवाद तो बताओ, लिखा है क्या विवाद? संवाद। यहां तक वर्णन आता है कि अंगद रावण संवाद, अंगद रावण संवाद। बोलो है संवाद कि नहीं? नहीं तो वहां लिख दिया जाता अंगद रावण विवाद, अंगद रावण का विवाद हुआ, नहीं संवाद। संवाद पूरी सूची पढ़ जाइए आप, बालकांड से लेकर के उत्तरकांड की मानस की सूची पढ़ो, उसमें लिखा है संवाद 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 संवाद। लिखा है कि नहीं लिखा है? लेकिन पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, और पहले संवाद करो, यदि समाधान ना हो तब विवाद करो। पहले संवाद करना है। आज क्रोध के कारण केकई जी ने संवाद नहीं किया है महाराज दशरथ, क्योंकि संशय भर दिया गया और संशय से क्रोध आ गया, और जैसे क्रोध आया तो संवाद नहीं किया, जबकि दशरथ जी ने संवाद करने की कोशिश की। ठीक ही नहीं? सुनिए ना, मैं संशय पर बोल रहा हूं, और संशय सबसे ज्यादा खतरनाक है, और संशय को दूर करने के लिए संशय विहंग उड़ावन हरि राम कथा सुंदर कर तारी। केवल में मात्र कोई कथा भाग लेके केवल मात्र कथा ही कथा सुनाता जाऊं, आपके व्यथा से राम कथा को न जोड़ू, तो फिर कथा सुनने से कोई फायदा नहीं। वैसे रामायण तो आप पढ़ सकते हो घर में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं व्यथा कैसे दूर होगी, इसके लिए आपने बुलाया है मुझे। और तुलसीदास जी महाराज का उद्देश्य यही है रामचरितमानस लिखने का, नहीं तो वाल्मीकि रामायण इतना बढ़िया ग्रंथ है कि उसको पंचम वेद कहा गया है वाल्मीकि रामायण को, लेकिन वाल्मीकि जी को तुलसी बन के अवतरित होना पड़ा, और फिर वाल्मीकि रामायण के बाद रामचरितमानस की रचना करनी पड़ी, क्योंकि आप सबकी व्यथा को दूर नहीं कर पा रहे थे महर्षि वाल्मीकि जी, इसकी व्यथा उनके हृदय में थी, तभी वो तुलसी वन के अवतरित हुए, और तुलसी वन के अवतरित हुए तो उन्होंने रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की, और इस रचना का उद्देश्य है कि प्रत्येक मानव के जीवन की व्यथा दूर हो, किससे? राम कथा से, प्रत्येक घर की व्यथा दूर हो राम कथा से। इसलिए इस व्यासपीठ पर बैठ करके मेरा उद्देश्य है कि मानस के माध्यम से जन जन की व्यथा, घर घर की व्यथा दूर हो, यही उद्देश्य है। आज संशय ने कनक भवन से निकाल के केकई को कोप भवन में भेज दिया। किसमें भेजा है? कनक भवन में रहती थी अयोध्या में, कहां रहती थी केकई? कनक भवन। ये कनक भवन श्री राम जी जहां विराजमान हैं, ये केकई जी का भवन है, केकई जी ने ही राम और सीता को सौंपा था ये भवन, ये तुम्हारा है आज, जिस भवन में मैं रहती हूं वो तुम्हारा है। लेकिन याद रखना उस संशय ने, क्योंकि शादी होके आई तो शादी में सबने राम जी को सीता जी को दिया, कौशल्या जी ने दिया, सुमित्रा जी ने दिया, केकई जी ने दिया, तो कौशल्या जी ने स्वर्ण आभूषण दिए हैं, क्योंकि पट्टा विशक्ता महारानी है इसलिए उन्होंने स्वर्ण आभूषण दिए। सुमित्रा जी ने अपने बेटे लक्ष्मण को दिया। ये सीते, ये पुत्र बनकर के तुम्हारी सेवा करेगा,
ये सोने के आभूषण कौशल्या जी ने दे दिए कि आज से मैं वेश कीमती स्वर्ण आभूषणों को दे रही हूं। वैसे तो मिथिला से बहुत आभूषण लेकर के आई थी सीता जी, आभूषणों की कोई कमी नहीं थी, मिथिला से लेके आई थी। महाराज जनक स्वयं राजा हैं, उन्होंने जितने प्रकार के आभूषण होते हैं सब दे दिए थे सीता जी को। भूषण सकल, रामायण में लिखा है भूषण सकल स्वदेश सुहाए, अंग अंग रच सखिन बनाए। महाराज जनक ने कहा जितने प्रकार के आभूषण हैं उन आभूषणों से सुसज्जित कर दो मेरी बेटी सीता को। तो कोई भी आभूषण शेष नहीं बचा जो श्री किशोरी जी को ना पहनाया गया हो। तो आभूषणों की कमी नहीं थी, लेकिन कौशल्या जी ने भी जितने आभूषण थे उनके पास वो सारे आभूषण किसको दे दिए? सीता जी को दे दिए। याद रखना सबके पास एक एक बेटा है, लेकिन सुमित्रा जी के पास दो बेटे, कौशल्या जी के पास एक बेटा, केकई जी के पास एक बेटा, सुमित्रा जी के पास दो बेटे हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सावधान, सुमित्रा ने अपना बेटा लक्ष्मण चरणों में समर्पित कर दिया। हे सीते, आज से तुम्हारे चरणों की सेवा में रहेगा। चरण सेवा का अर्थ है जो आज्ञा जिस समय दोगी ये आज्ञा का पालन करेगा। कोई मिथिला का, मिथिला की दासी या दास सेवा में नहीं, अयोध्या के दासी दास नहीं, स्वयं लक्ष्मण जो है दास बनकर के सेवा करेगा। इसलिए राम बाम दिस जान की लखन दाहिनी, और ध्यान सकल कल्याण में सुरतर तुलसी तो। लेकिन केकई जी के पास क्या था? कनक भवन था। ये हटीली स्वभाव की थी ना, इसलिए ये अयोध्या में भी आई तो इसने कनक भवन पसंद किया, जिसमें सोना लगा हो उसमें रहूंगी। जिसमें सोना लगा हो, सबसे ज्यादा सोना उसी भवन में था, उसका नाम ही था कनक भवन, इसी में रहूंगी, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। दशरथ जी ने कहा कनक भवन में रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं, सीधी शादी है। कौशल्या जी, सुमित्रा जी, उन्होंने कहा बहुत अच्छी व्यवस्था है बहन, तेरे लिए कनकई भवन इसी में रहे। लेकिन जब श्री राम और सीता को देखा तो इतनी प्रभावित हो गई थी कि सीता राम को कनक भवन दे दिया। लेकिन आज कनक भवन से निकाल दिया है केकई ने राम को, सीता को। बोलो निकाला कि नहीं निकाला? बन जा रहे हैं सीताराम जी तो कनक भवन छोड़ के जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? केकई ने संशय के कारण सीताराम को कनक भवन से निकाल दिया, और मंत्रा के द्वारा जब केकई को संशय मिला तो उस संशय ने केकई को कनक भवन से निकालकर को भवन में पहुंचा दिया। बोलो किसने पहुंचाया है केकई को भवन में? मंत्रा ने नहीं, संशय ने, कि भरत बंदी गृह से ही है लखन राम के ने, ये संशय है। इसलिए एक एक बात सुनते जाओ, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छे श्रोता हो तभी मैं इस प्रकार की कथा सुनाता हूं, नहीं तो हवाई सर्वे कर देता हूं कथा में, है ना? फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, है, और पता नहीं इधर उधर की बातें भी कभी कभी कह देता हूं जब मूड बनता है। लेकिन नहीं नहीं, श्रोता तुम अच्छे हो इसलिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सुना रहा हूं। अच्छे श्रोताओं में अपने आप सुनाने का भाव बन जाता है। नरसिंहपुर जिला पूरा कथा का गढ़ है और राम कथा का गढ़ है। नरसिंहपुर जिले की विशेषता है, नरसिंह भगवान के नाम से यह जिला है, नरसिंह भगवान की बड़ी कृपा है।
हाँ सब लोग बैठे हैं। वैसे तो आपकी उपस्थिति कल भी अच्छी थी लेकिन आज तो और अच्छी है, आप दिनों दिन बढ़ती जाएगी। बाहर भी व्यवस्था की गई है, शायद टेलीविजन की व्यवस्था है ना बाहर, और कुर्सियां भी डली हैं। बारिश भी होगी तो प्रभावित नहीं होंगे लोग, क्योंकि वाटर प्रूफ पंडाल बनाया गया है, और जितनी व्यवस्था यहाँ है बैठने की उतनी ही व्यवस्था बाहर दी गई है। बहुत सुंदर प्रबंध किया गया है, और इसके अलावा यदि और लोग आते तो ऊपर भी बालकनी में भी व्यवस्था है। इस ढंग से मानस भवन बनाया गया है भाई, मैं आर्किटेक्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और तिवारी जी ने बहुत सोच समझ के और विचार पूर्वक इस भवन के निर्माण में हैं अपनी भूमिका निभाई, और परंपरा चलती रहे। भवन तो बन गया लेकिन सुंदर बन गया, परंतु इस भवन की शोभा किससे है? राम कथा से। राम कथा होती रहेगी तो ये भवन सुंदर सदा सुंदर रहेगा, है ना। और याद रखना, ये भवन सुंदर हो है लेकिन इसमें राम कथा हो रही है तो अति सुंदर है। और मैं एक बात कहता हूं, यदि मानस भवन में ये सुंदर भवन में सुंदर राम कथा होती रहेगी तो नृसिंहपुर में सुंदर कांड होते रहेंगे, कोई विभत्स कांड नहीं होंगे, सुंदर कांड। आज बड़े बड़े कांड हो रहे हैं शहरों में, इतने विभत्स कांड हो रहे हैं कि सरकारें बदल जाती हैं, हिल ही नहीं जाती हैं, बदल जाती हैं कांडों के कारण। देखो बांग्लादेश में प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, भागी भागी फिर रही भारत में आके शरण ली हैं, और वहां के मुसलमान पता नहीं क्या क्या बक रहे हैं हिंदुओं के लिए, प्रताड़ित भी कर रहे हैं। ये दैत्य संस्कृति है। कौन सी संस्कृति है ये? ये क्रूरता की संस्कृति, दैत्य संस्कृति है। जबरदस्ती हिंदुओं को इस्लामिक बनाने के लिए, इस्लाम का अनुयायी बनाने के लिए प्रेशर दबाव बना रहे हैं, न जाने कितने प्रकार की धमकियां और यातनाएं दे रहे हैं। भारत सरकार को कठोर निर्णय लेना पड़ेगा, हिंदुओं की रक्षा करनी पड़ेगी। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को सोचना पड़ेगा, और 15 अगस्त को उन्हें कोई ऐसी घोषणा करनी पड़ेगी कि बांग्लादेश का हिंदू सुरक्षित रहे। मुझे विश्वास